तो सुबह से हो रही बारिश और उसके बाद जलभराव की स्थिति, लोग परेशान हैं और लोग इस जलभराव से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बेला रोड सिविल लाइन है ना है तू आजकल करके मारेगा अंकल, आप बात करोगे? दिल्ली में बारिश के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने हैं आपके, जहां जल भराव की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। जगह जगह जल भराव और लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं क्लस्टर बस लाल किले इलाके में जल भराव के चलते बीच रास्ते में ही बंद हो गई थी। वहीं तमाम गाड़ियाँ जो पार्किंग में खड़ी थी वो इस जल भराव में डूबती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों के कमर से भी ऊपर पानी है। तो किस तरह की स्थिति दिल्ली में है, सिविक एजेंसियां जो तमाम दावे कर रही थी कि मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस बार जलभराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर सिविक एजेंसियों की पोल खोल के रख दी है। गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई नज़र आ रही हैं, लोगों के कमर से ऊपर पानी, जलभराव की स्थिति खासी चिंताजनक, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से हो रही बारिश के बाद जलभराव से लोग दो चार हैं और लोगों को घर से निकलने में खासी दिक्कत हो रही है। दिल्ली के लाल किला इलाके में एक क्लस्टर बस भी इस जलभराव के चलते बीच रास्ते में ही बंद हो गई और यात्रियों को घंटों उस बस में ही रुकना पड़ा। इसके बाद लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। हालांकि बड़े पंप के ज़रिए पानी को निकालने का काम भी किया गया, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। जगह जगह जलभराव है और ऐसे में जो गाड़ियाँ हैं, जो बसें हैं, वो बीच रास्ते में ही बंद हो रही हैं। लोगों की कमर से ऊपर पानी है और लोगों को अपने घर तक पहुंचने और घर से ऑफिस तक जाने के लिए खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां आज सुबह से हो रही बारिश के बाद लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं और लंबा जाम दिल्ली की सड़कों पर नज़र आ रहा है। जगह जगह जाम की स्थिति है और घंटों लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। जलभराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह से हो रही बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में सड़क पर पानी होने के चलते लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हैं और ऐसे में लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के बाद स्थिति जाम की भी खासी चिंताजनक है।